वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे। थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं क्या लेकर आपके लिए आई हूँ। पिटारा तो इतना ज्यादा नहीं, मैंने 3 क्रॉप टॉप मंगाए थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मिंत्रा से मंगवाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे पहनने में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा स्टाइलिश है। तो चलो ज्यादा पक नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड पीछे का थोड़ा सा अवॉइड करना, आज मैं ढेर सारे वीडियो शूट की हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो बनाए, रील्स बनाए इंस्टाग्राम के, तो बहुत ज्यादा कपड़े वो चेंज करके मैं रखती गई और फिर मुझे याद है मुझे वीडियो भी बनाना था यूट्यूब का, तो फटाफट से बैठ गई। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मेरे पास 3 टॉप हैं जो मैंने 3 से 3 मिंत्रा से मंगाए हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैं आपको फटाफट से ओपन करके दिखाऊँ। ये रेड कलर की क्रॉप टॉप है एंड बहुत कम्फर्टेबल, बहुत अच्छी टॉप है, इसमें अनकम्फर्टेबल जैसा फील कुछ नहीं आने वाला है। और साथ साथ में मैं प्राइस और साथ में पहन के भी दिखा दूंगी, प्राइस भी मैंशन कर दूंगी इसके साथ में। ये है, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, स्टाइलिश लग रही थी एंड कंफर्टेबल बहुत थी। इसमें वो क्रॉप की वो फीलिंग नहीं थी जो अलग से होता है जिसमें अनकंफर्टेबल सा फील होता है। मेरे पास वो भी है बट ऐसा नहीं कि उसमें अनकंफर्टेबल इतना था। जिनको पहनने की आदत है वो पहन लेते हैं, उनको फील नहीं होता। तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, ये भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं सबसे पहले यही वाला दिखाऊंगी, इसमें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। इसकी आगे से जो डिजाइन दे रखी है एक्स टाइप की, ये बहुत स्टाइलिश लग रही थी एंड इसका ऑफ शोल्डर ये एंड ऊपर की तरफ ये ऐसे हल्का सा इधर से जाता है और वो अच्छा लगता है, वो स्टाइल थोड़ा सा लुक क्रिएट करता है। एंड उसके बाद इसके स्लीव्स जो है 3/4 टाइप की है, यहाँ तक आती है और बहुत 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 डिफरेंट, बहुत ही प्यारी टॉप है। एंड फैब्रिक पूरा कॉटन है, ये बहुत अच्छा सा थोड़ा सा जूट वाला जो कॉटन होता है ये वो है, क्योंकि कपड़ा इसका दरबरा सा है तो पता चल जाता है कि जूट कॉटन है। एंड इसका जो बंद करने का है पूरा, ये जिप है पीछे से, पूरी ओपन हो जाएगी, ओपन करके आप पहन सकते हो। तो मैंने ये ओपन करके ऐसे ही पहना था, ये पूरी खुल जाएगी और खुलने के बाद आप जब इसको पहन लोगे तो इसका बहुत ही प्यारा लुक आएगा और बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने साथ साथ में मैं पहन के दिखा दूंगी, आप देखते रहना। और मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस वाइज बहुत अच्छा है। मिंत्रा पे ऐसे टॉप्स मिल जाते हैं जो बहुत स्टाइलिश होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे फर्स्ट टॉप ये बहुत प्यारी लगी थी और प्राइस साथ में मेंशन कर दूंगी। इतने में तो इतना बहुत अच्छा क्रॉप टॉप मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से बट मुझे मिल नहीं रही थी, और ये तीनों ही मुझे जो मिली बहुत डिफरेंट मिली। एंड इसका कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड स्लीव्स पे जो इलास्टिक टाइप की डिजाइन दे रखी है मुझे ये बहुत डिफरेंट। आपको पता है मुझे पफ वाली बाजू बहुत पसंद है वैसे भी, तो मैंने ये इसीलिए लिया क्योंकि मुझे इसका कलर और फैब्रिक और स्टाइल बहुत ही पसंद लगा था। एंड सेकंड है मेरे पास एक, ये भी क्रॉप टॉप है बट ये वैसी क्रॉप टॉप नहीं है, थोड़ी सी अगर आप पहनते हो रेगुलर क्रॉप टॉप तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं पहनते हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। मैं साथ साथ में वीडियो लगाऊंगी तो आप देखोगे। ये क्रॉप टॉप ऐसी है, आप समझ ही गए हो, क्रॉप टॉप है तो क्रॉप टॉप ऐसी, ऑफ शोल्डर और क्रॉप दोनों है, ये ऑफ शोल्डर टॉप है तो ऐसी ही होगी, ऑफ शोल्डर टॉप तो ऐसी ही होती है। और पहनने में बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत डिफरेंट लगा, ये जो लूज ये डिजाइन थी ना, स्टाइल थी इसका, स्टाइल है ना ये लूज वाला, माय गॉड मुझे बहुत ही प्यारा लगा। क्योंकि रीजन ये है, आप जब ऑफ शोल्डर टॉप लेते हो तो क्रॉप होती है तो चिपकी सी होती है, बट इसका पूरा लूज टाइप का है तो अंदर से अगर इस पैकेट कुछ अब भी आप पहने रहोगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा और मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड फैब्रिक बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज आप देखोगे तो इसका कलरफुल प्रिंट है, एकदम कलरफुल फ्लावर वगैरह हैं, सारे ही कलर मिक्स हैं, बट जब इसको डेनिम के साथ आप वियर करते हो तो बहुत ही डिफरेंट लगता है एंड बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे से पूरा नेक पे इलास्टिक है एंड स्लीव्स पे पूरा इलास्टिक है, और स्लीव्स फिर वो लूज ही है जो आपको पहनने में बहुत अच्छी लगेगी। इस टॉप को पहनने के बाद थोड़ा सा अलग स्टाइल लग रहा था, थोड़ा सा हटके लग रहा था, जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा प्यारा, और समर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी। तो ये एक ऑफ शोल्डर विद क्रॉप टॉप है जो बहुत ही प्यारी है एंड कलरफुल वाली है, कलरफुल है, बट इसमें एक चीज है कि बहुत लाइट सा कलर दे रखा है सारे मिक्स में, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी एंड मुझे बहुत ही प्यारी लगी, पहनने पे बहुत अच्छी लगी मुझे ये। लेकिन इस टाइप वाली क्रॉप टॉप ऑफ शोल्डर टॉप है जिसको आपको थोड़ा सा ऑफ शोल्डर यहाँ से ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें ये यहाँ से जॉइंट्स होता है वो यहाँ से आती है, ऊपर आती ही नहीं। मैंने कोशिश की, फोटोज वगैरह क्लिक की, बट थोड़ा सा था कि ये वैसी नहीं है, लेकिन मुझे पहनने में बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी। एंड फैब्रिक बहुत हल्का सा, वो जो कुछ रेयॉन सा कपड़ा होता है हल्का सा ना, कुछ वैसा है, सीफोन तो नहीं, रेयॉन सा कपड़ा है जैसे साड़ी वाड़ी का होता है, तो फैब्रिक बहुत प्यारा है। समर्स के लिए
ये मैं बोलूंगी जरूर लेना आप, बहुत ही प्यारी टॉप है, मुझे बहुत अच्छी लगी एंड प्राइस मेंशन कर दूंगी साथ साथ में। मिंत्रा पे भी कभी कभी कुछ कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव कुछ कपड़े आपको बहुत पसंद आते हैं बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। बस जब मैं ये टॉप ढूंढ रही थी तो मुझे ये लगा था मुझे ऑफ शोल्डर टॉप चाहिए विद क्रॉप टॉप, ऐसा कुछ चाहिए थोड़ा सा अलग लगे, थोड़ा सा हटके लगे। तो ये वैसी टॉप है जिसमें आप थोड़ा सा अपने आपको डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड टॉप मेरे लिए एंड दिस इज थर्ड टॉप एंड ये मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ब्लैक आपको पता है मेरा फेवरेट कलर है, मैं ब्लैक बहुत पहनती हूँ, चाहे साड़ी हो, सूट हो, या फिर जीन्स हो, या फिर टॉप हो, जो भी हो, मुझे ब्लैक कलर वैसे भी बहुत पसंद है। मुझे लोग कहते भी हैं ब्लैक कलर लवर है, तो मैं पहनती हूँ। अब इसको देखने के बाद आपको पता चल गया कि ये कैसा टॉप है, ऑफ शोल्डर टॉप है, फुली ऑफ शोल्डर टॉप है। बस इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत प्यारी लगी वो इसकी स्लीव्स थी, स्लीव्स बहुत अच्छी थी, पूरी बलून स्लीव्स जिसको कहते हैं ना, बलून स्लीव्स, ये बलून स्लीव्स हैं। और थोड़ी सी मुझे इसकी ये स्लीव्स लग रहा था मुझे लूज है, मैंने साइज ठीक नहीं मंगाया बट इट्स ओके, क्योंकि ऑफ शोल्डर है और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, अगर लूज रहेगा तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आप देखोगे तो इसकी जो आगे की तरफ है ये लॉस्टिक टाइप से है, ये लॉस्टिक और ये पफ की टाइप का डिज़ाइन आ जाएगा जो ऊपर रहेगा ऐसे, और उसके बाद इसकी स्लीव जैसे ऑफ शोल्डर की प्रॉपर होती है, जो प्रॉपर ऑफ शोल्डर आप कहते हो वो यही होता है कि यहाँ से जॉइंट्स होता है और यहाँ पे आता है, बट उसको हम ऊपर कर ही लेते हैं। मैंने भी वीडियो में ऐसा ही दिखाया, आपने देखा होगा, अभी देख रहे होंगे, तो ये ऐसा ही होता है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये यहाँ भी इन्होंने पूरा लॉस्टिक ही दे रखी ताकि यहाँ पे ना ताकि यहाँ पे ये अच्छे से चिपक जाए और यहाँ पे पूरा बलून वाला लुक आ जाए, जैसे स्लीव्स में बलून लुक कहते हैं, और आगे से फिर ये लूज है तभी बलून लुक इसको कहा जाता है, ये ऐसा होता है इसलिए बलून लुक कहते हैं। तो ऑफ शोल्डर विद क्रॉप टॉप एंड बलून स्लीव्स, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी ये अलग लगी, थोड़ी सी हटके लगी और बहुत ही अच्छी लगी। मिंत्रा पे कपड़े थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर होते हैं बट हम जो ढूंढते रहते हैं ना वही हमें मिलते हैं वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने इनफैक्ट कई बार कोशिश की कि लूँ नहीं लूँ, क्योंकि जो ये वाली होती है ना ऑफ शोल्डर टॉप थोड़ी सी अनकंफर्टेबल मुझे लगती है, लेकिन ठीक है पहनेंगे तभी तो कंफर्टेबल फील आएगा ना धीरे धीरे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी एंड कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो ब्लैक है, ब्लैक पे थोड़ा सा ब्लू से प्रिंट दे रखा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप चाहो तो इसको ब्लैक के साथ वियर कर सकते हो बट डेनिम के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लुक इसमें आएगा, तो मैंने इसको डेनिम के साथ ही वियर किया, आपको दिखाया, आपने देखा होगा। एंड फैब्रिक इसका जो है ये थोड़ा सा कॉटन टाइप से, आप पास से देखोगे तो इसका फैब्रिक जो है ये कॉटन टाइप से है पूरा। एंड ये जो डिज़ाइन दिख रही है ये डिज़ाइन है, वैसे नहीं है कि प्रेस नहीं है, ये डिज़ाइन टाइप से है, सिकुड़न टाइप से जो है, क्योंकि उसको पूरा वो पफ वाला फील लाना है। एंड जो इसका फैब्रिक है स्लीव्स का वो थोड़ा सा जैसे ट्रांसपेरेंट साड़ी वगैरह होती है ना सिंपल सी, वैसी है आप देखोगे थोड़ा सा, और ब्लू में लाइट सी ग्रीन टाइप में इसकी जो पत्तियों की डिज़ाइन है वो दे रखी है, तो पहनने में बहुत अच्छी है, मुझे दिखने में बहुत प्यारी लगी। एंड मुझे फर्स्ट एक कहते हैं ना एक नज़र में अच्छी लगी, तो मुझे रियली ये एक नज़र में अच्छी लगी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा और फटाफट मैंने इसको ले लिया, ऑर्डर कर लिया। तो इनमें से जो भी आपको चाहिए हो तीनों में से कोई भी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि लिंक जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देती वो अवेलेबल नहीं होता इसलिए नहीं दे पाती, पर जो होंगे उनको जरूर दूंगी और ट्राई जरूर करना, अच्छा लगेगा तो मुझे बताना। और अगर बाई चांस किसी का लिंक नहीं दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में तो इसका मतलब वो अवेलेबल नहीं है, मुझे सब कहते हैं आप नहीं देते उसमें लिंक, लेकिन मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ जो अवेलेबल होता है। तो ये तीनों टॉप है, तीनों टॉप एक बार जरूर, अगर इनमें से कोई अच्छा लगे तो आप जरूर मंगाना और मंगा के ट्राई करना, मुझे बताना कैसी लगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।